आज मैं आपसे अंडे चने की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आपको देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप जब इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप इसको बार बार बनाएं। आप इसको ब्रेकफास्ट पे भी बना सकते हैं, लंच में भी और डिनर में भी। आपने वीडियो को पूरा देखना है और फिर मुझे बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं ऐश कुकिंग चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं अंडे चने। और अंडे चने बनाने के लिए हमने 6 घंटे के लिए तकरीबन हमने इसमें सोडा डालकर चनों को सो कर लिया था। फिर उसके बाद इसका पानी ड्रेन करके हमने इन चनों को बॉईल कर लिया है और फिर उसके बाद इसकी यखनी हमने अलग से सेपरेट कर ली है। चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। अंडे चने बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। प्याज को हमने चॉप कर लिया था और इसमें हमने साबुत गर्म मसाला ऐड किया है। प्याज को हम हल्का सा सुनहरा कर लेंगे। प्याज को हम जितना बारीक चॉप करेंगे उतनी ही अच्छी ग्रेवी बनेगी। प्याज हमारा सुनहरा होने लग गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने बाकी के मसाले। इसमें जाएगा जी रेड चिली पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टर्मेरिक पाउडर में हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया पाउडर। नमक हमने ऐड नहीं किया क्योंकि चने बॉईल करते वक्त हमने इसमें नमक ऐड किया था, तो लास्ट में जब हम चनों को टेस्ट करेंगे तो फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इन मसालों की आपने अच्छे से भुनाई करनी है। फिर उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। चने बॉयल करते वक्त हमने जो उनकी यखनी सेपरेट की थी हम ये इसमें ऐड करेंगे। ताकि मसाला भी अच्छे से भून जाए और इसमें इसी मसाले में हम ऐड करेंगे 5 से 6 चम्मच दही के। जब मसाला तैयार हो जाए तो आपने ये करना है, 5 से 6 चम्मच हमने चनों के ले लिए थे उसको मैश कर लिया है, अब हम इस मसाले में ऐड करेंगे और उसकी भी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ये मैश किए हुए चने डालने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कितना थिक सा मसाला तैयार हो गया है। 1 से 2 मिनट इसको पकाने के बाद हम इसमें साबुत बॉयल चने ऐड करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये चने। अब हम इसमें शामिल करेंगे चनों की यखनी और ये डालने के बाद इनको हम 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे। चने हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, अब लास्ट में हम इसको फाइनल टच देंगे। इसमें हम शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। और फ्रेश हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। और अब हम इसमें शामिल करेंगे बॉयल एग। और इसमें हमने शामिल किए हैं बॉयल एग जो कि इस रेसिपी की खास बात है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।